न्यू बुलेरो पिकअप हमारे पास आई हुई है। इसका हाइट आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा इन्होंने बनवाया हुआ है काम के हिसाब से। हमने इसमें लगाया है 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर, साथ में ओवल स्पीकर 9 इंची के हमने बैक साइड की सीट के नीचे लगाए हुए हैं। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने इसमें प्लेयर लगाया है, इसी के फ्रेम में इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। ओवल स्पीकर कहाँ लगाए हैं, साथ में हमने इसमें लगाए हैं व्हील कवर, वो भी आपको दिखाएंगे। डुअल टोन व्हील कवर हमने बुलेरो पिकअप में लगाए हुए हैं। प्लेयर के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, 2GB रैम, 32GB मेमोरी, पेन ड्राइव हमने इसमें यहाँ लगाया हुआ है पेन ड्राइव लगाने के लिए। साथ में हमने इसमें क्या क्या करा है, कैसे सिस्टम लगाया है, सॉकेट टू सॉकेट गाड़ी की किसी भी वायरिंग को बिना काटे, वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको व्हील केप दिखाते हैं। व्हील केप हमने इसमें डुअल टोन में यहाँ लगाया हुआ है। डैशबोर्ड पर हमने कवर लगाया है, आदि योगी की मूर्ति लगाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए डैशबोर्ड का कवर हमने इसमें लगाया हुआ है ताकि डैशबोर्ड गर्म हीट ना हो। आदि योगी और बजरंगबली की मूर्ति भी हमने इसमें लगाई हुई है। 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर इसमें हमने लगाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिटिंग का पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी फ़िटिंग की जाती है गाड़ी के किसी वायर को बिना काटे। बोलेरो पिकअप आज हमारे पास आई हुई है और हम इसमें लगाने वाले हैं 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर। व्हील कवर हम इस गाड़ी में लगाएंगे 9 इंची एंड्रॉयड लगाएंगे। डैशबोर्ड कवर भी हम इसमें लगाने वाले हैं। तो चलिए आपको प्लेयर दिखाते हैं कौन सा प्लेयर हम इसमें लगाने वाले हैं। ये 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर हम इसमें लगाने वाले हैं। 2GB रैम, 16GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ ये आता है। इसमें ऑनलाइन यूट्यूब GPS नेविगेशन सब आपका चलेगा। इसके अलावा आपको प्लेयर पैनासोनिक ब्रांड में हमारे पास मिल जाएगा 2GB रैम, 32GB इनबिल्ट मेमोरी। हाइमन ब्रांड में मिल जाएगा 2GB रैम, 32GB इनबिल्ट मेमोरी। हम इसमें लगाने वाले हैं MK सीरीज का 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर जो 2GB रैम और 16GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ आता है। बुलेरो पिकअप में म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए बजट भी कस्टमर को देखना पड़ता है, क्योंकि बुलेरो पिकअप जैसी गाड़ी में अगर कोई म्यूजिक सिस्टम मांगता है तो ज़्यादातर लोग ये प्लेयर मांगते हैं। ये सिंगल डिन प्लेयर होता है ब्लूटूथ USB के साथ। ओवल स्पीकर इसमें आपको 2 मिल जाएंगे और ये पूरा इंस्टॉलेशन के साथ आपको 4 से 4,500 की रेंज में आराम से मिल जाता है। तो 6,000 रुपये अगर आप एक सादा म्यूजिक सिस्टम में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा अगर 3,000 रुपये और आप डालो तो 9,000 में आपको 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर मिल जाएगा। इसमें GPS नेविगेशन वगैरह सब वर्क करता है, वीडियो वगैरह इसमें आपकी चलती है, और साथ में आप इसमें इन फ्यूचर अगर रिवर्स कैमरा लगाना चाहें तो वो भी इसमें आप आराम से लगवा सकते हैं। तो हमारे पास जो कस्टमर आए थे उनका जो बजट था वो था 5 से 6,000 के बीच। उनको 2 ओवल स्पीकर, एक नॉर्मल MP3 BT प्लेयर लगवाना था, लेकिन हमने उनको कन्वर्ट किया कम बजट के इस एंड्रॉयड में। 9,000 रुपये में 2 ओवल स्पीकर और ये एंड्रॉयड फिटिंग के साथ हमने उनकी गाड़ी में लगाया है। तो लगाने का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाते हैं किस तरह से एंड्रॉयड फिट किया जाता है, ओवल स्पीकर कहाँ लगाए जाते हैं, साथ में हमने इसमें व्हील कवर भी लगाया है, डैशबोर्ड पे कवर लगाया है और आदि योगी की मूर्ति लगाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है वो गाड़ी न्यू बुलेरो पिकअप 2023 मॉडल जिसमें हम लगाने वाले हैं 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर। सबसे पहले हम इसकी सीट को खोल रहे हैं ताकि यहाँ से ओवल स्पीकर हम इनसाइड लगा सकें। यहाँ पे हम 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर लगाने वाले हैं। इसकी ओरिजिनल फ्रेम पे ही हम अपना प्लेयर फिटिंग करेंगे। सीटें दोनों खोलेंगे, ओवल स्पीकर लगाएंगे, व्हील कवर लगाएंगे और साथ में आपको दिखाएंगे हम इसमें डैशबोर्ड कवर लगाएंगे और उसके ऊपर आदि योगी और बजरंग बली की मूर्ति भी हम इसमें लगाएंगे कि उसका लुक डैशबोर्ड कवर पे लगाने के बाद मूर्ति का लुक कैसा आता है। कंपनी ने गाड़ी एकदम बेसिक मॉडल दी है, ना ही इसमें व्हील कवर है, ना ही स्पीकर, ना ही कोई म्यूजिक सिस्टम। तो यहाँ हम व्हील कवर लगाने वाले हैं। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम इसमें यहाँ एंड्रॉयड प्लेयर फिट करेंगे। इसके ऊपर का फ्रेम हमने खोल लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से खोलने से पहले ये फ्रेम दिख रहा था। यह हम ओवल स्पीकर लगाने के लिए सीट हमने खोल ली है। पिकअप गाड़ी लोडिंग के लिए लोग बनवाते हैं और इन भाई साहब ने इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हाइट के साथ ये गाड़ी इन्होंने बनवाई हुई है। ये फ्रेम कंपनी से इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ आता है। तो बजट को ध्यान में रखते हुए हम इसी फ्रेम के ऊपर एंड्रॉयड लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा आता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो चलिए एंड्रॉयड को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है वो प्लेयर एंड्रॉयड 9 इंच स्क्रीन जो हम इसमें बुलेरो पिकअप में लगाने वाले हैं। इसके साथ क्या क्या आता है ये भी आपको दिखाते हैं। एक कैमरे की केबल इसके साथ आपको मिलेगी, इन फ्यूचर आपको कैमरा लगाना हो। 2 USB केबल आपको मिलेंगी सॉन्ग वीडियो सॉन्ग सुनने के लिए। 1 GPS आपको मिलता है
GPS से नेविगेशन चलाने में हेल्प होती है। साथ में सारी केबल्स बूफर वगैरह की इसके साथ आपको मिल जाएंगी। मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद GPS वर्क करेगा, नेविगेशन आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। साथ में इसके साथ आता है माइक, जिससे कॉलिंग ब्लूटूथ कॉलिंग आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये माइक हम इसमें लगाने वाले हैं, जिससे आपका चलती गाड़ी में कॉलिंग आएगा तो आपको फ़ोन छूने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के ही फ्रेम में हमने प्लेयर लगा दिया है, ये आप देख सकते हो। गाड़ी का जो फ्रेम था उसके ऊपर ही हमने अपना 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर लगा दिया है। अब इसको गाड़ी में लगाते हैं और स्पीकर्स वगैरह की फिटिंग आपको दिखाते हैं कैसे होती है। 9 इंच के स्पीकर हमने ओवल यहाँ लगाया हुआ है, ये देखिए ओवल स्पीकर 9 इंच, एक ड्राइवर की सीट के पीछे और एक उसके बाजू वाली सीट के नीचे यहाँ फिट हो जाता है, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी, कोई जगह आपकी गाड़ी की कवर नहीं होगी। दोनों स्पीकर हमने बैक साइड में लगा दिए हैं। प्लेयर हम इसमें यहाँ लगाने वाले हैं। स्पीकर की वायरिंग हमने कम्प्लीट निकाल दी है, यहाँ प्लेयर लगेगा और यहाँ इसके USB केबल आएंगे, जिससे पेन ड्राइव लगा के आप MP3 वीडियो सॉन्ग सुन सकते हो। ब्लूटूथ वगैरह इस प्लेयर में इनबिल्ट आता ही है। ये प्लेयर की पूरी वायरिंग है, सॉकेट टू सॉकेट पूरी वायरिंग होती है। ये GPS गाड़ी के अंदर हम लगाने वाले हैं। 2 USB केबल्स और माइक हम लगाने वाले हैं राइट साइड की थंबनेल पे, ये है माइक की केबल्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं, माइक हमने यहाँ लगाया है राइट साइड में ड्राइवर के फेस के पास, ताकि जब ब्लूटूथ कॉलिंग या आपको ज़रूरत पड़े या ब्लूटूथ आपका कनेक्ट हो, किसी का फ़ोन आए तो आप डायरेक्ट प्लेयर से कॉल को रिसीव कर सकते हैं, स्पीकरों में से आवाज़ आएगी, कॉलिंग की क्वालिटी एकदम क्लियर होगी क्योंकि हमने माइक जो है फेस के पास लगाया है। ये 2 केबल हैं जो इस तरह से लगाई जाती हैं, ये देखिए डैशबोर्ड के ग्लो बॉक्स में ये केबल लगाई जाती है। पेन ड्राइव अंदर ही रहेगा, USB आप इसमें लगा सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, पेन ड्राइव की केबल्स हमने लगा दी हैं। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट केबल हम लगाने वाले हैं माइक की। माइक हमने राइट साइड में अपर साइड में फिट किया हुआ है, ये इसकी केबल है माइक की केबल। ये कहाँ लगाई जाती है ये भी आपको दिखाते हैं, ये पूरी माइक की केबल है। ये स्पीकर के वायर हैं जो हमने स्पीकर डाले हुए हैं। ये GPS है, इसको हम इनसाइड में बॉडी में यहाँ चिपका देते हैं। सारी चीज़ें हमने एक एक करके लगा दी हैं, ये सब केबल अब एंड्रॉयड प्लेयर में लगाई जाएंगी एक एक करके, वो भी आपको दिखाएंगे सारी केबल। ये ओरिजिनल केबल है और ये माइक की केबल है। सारी वायरिंग रेडी हो चुकी है, अब बारी है प्लेयर के अंदर ये सारी वायरिंग इंसर्ट करना। तो एक एक करके इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने USB की केबल इंसर्ट करी, उसके बाद ये माइक की केबल हम इसके प्लेयर के अंदर इसके इंसर्ट कर रहे हैं। एक एक करके सारी केबल हम लगाएंगे। तो ये है GPS की केबल, ये सब सॉकेट टू सॉकेट लगता है, कोई गाड़ी की वायरिंग काटने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी पूरी कपलर टू कपलर वायरिंग देती है, किसी भी तरह का गाड़ी का कोई वायर कट नहीं करते, जिससे आपकी गाड़ी की गारंटी वारंटी में कोई फ्यूचर में इशू आए। तो GPS केबल लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे एक और USB की केबल, क्योंकि हमने इसमें 2 USB केबल लगाई हुई हैं। सारी केबल जब एक एक करके इसमें इंसर्ट हो जाती हैं, तो सबसे लास्ट में जो केबल बचती है वो होती है प्लेयर की मेन सप्लाई की केबल, वो ये है। अब हम इसमें ये भी लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। मेन केबल लगाने के बाद प्लेयर रेडी हो जाता है ऑन होने के लिए। तो एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कौन कौन सी केबल्स हमने इसमें लगाई हुई हैं। फर्स्ट जो केबल है ये आप देख रहे हो, ये USB की केबल है, और इसके बाजू में ये माइक की केबल है। मेन सप्लाई, GPS सब हमने इसमें लगा दिया है। प्लेयर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये आप इसका लुक देख सकते हैं। बस इसको इसके ऊपर ऐसे रख के पुश करना है और ये फिट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम इससे पुश करने के लिए रेडी हैं, और इसका फिटिंग का प्लेयर का जो प्रोसेस है फिनिश हो जाएगा, प्लेयर पूर्ण रूप से फिटिंग हो जाएगा। तो ये फिट हो चुका है, आप इसका लुक देख सकते हो। हमने इसमें इसी के फ्रेम में प्लेयर फिट किया है, एक कम बजट में एंड्रॉयड स्क्रीन 2 स्पीकर के साथ 9000 में इंस्टॉलेशन के साथ दी है, 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ। तो गाड़ी की चाबी ऑन करते ही प्लेयर चालू हो गया है। USB आप यहाँ लगाएंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था, हमने USB इसके अंदर लगा दी है। इसको बंद करते हैं और सॉन्ग बजाते हैं। इसमें म्यूजिक, MP3 सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, सारे सॉन्ग आप बजा सकते हो। ब्लूटूथ से भी इसमें सॉन्ग बजेगा, ऑनलाइन YouTube भी चला सकते हो। मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करना पड़ेगा, प्लेयर का वाईफाई चालू करना पड़ेगा और इंटरनेट इसके अंदर आ जाएगा। पेन ड्राइव हमने लगाई है, पेन ड्राइव हमारी ऑन हो चुकी है, सॉन्ग्स अब इसमें बज रहे हैं पेन ड्राइव के।
ये प्लेयर 16 GB हो, 32 GB हो, 64 GB हो, सारी पेन ड्राइव एक्सेप्ट करता है। सेटिंग्स में जाके साउंड की क्वालिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे कि ये अभी नॉर्मल मूड पे है, हम इसे यहाँ से चेंज करके कोई भी मूड जो है, यूज़र है, रॉक है, किसी जो आपको पसंद हो वैसी सेटिंग आप इसमें कर सकते हो। बेस आपको ज़्यादा चाहिए, ट्रेवल्स आपको ज़्यादा चाहिए, सारी सेटिंग आपको इसमें मिल जाएंगी। तो हमने इसकी मैनुअली सेटिंग करी है जिसमें बेस ज़्यादा रखी है और ट्रेवल फंजर यानी ट्विटर को हमने थोड़ा कम किया हुआ है, क्योंकि स्पीकर इसमें दो ही हैं बैक साइड में, हमने फ्रंट साइड में इसमें स्पीकर नहीं लगाए। दो ओवल स्पीकर इस केबिन के लिए, काफ़ी छोटा केबिन होता है, काफ़ी हो जाते हैं। सेटिंग्स में जाके आप स्पीकर का साउंड कम भी कर सकते हो, या कोई एक स्पीकर बजाना है, जैसे आप सिंगल ड्राइव कर रहे हो ड्राइवर, तो यहाँ पे जाके आप कोई एक स्पीकर को भी बजा सकते हो। सेंटर में है उसे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ डाउन करोगे तो एक स्पीकर बंद हो जाएगा। सारी सेटिंग्स इस प्लेयर के अंदर आपको मिल जाएगी। ये फुली टच होता है, IPS पैनल डिस्प्ले, फुल HD वीडियो इसमें चलती है। तो चलिए आपको वीडियो की क्वालिटी दिखाते हैं कि इसकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो हमने इसमें प्ले करी है एक वीडियो, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है। किसी भी एंगल से आप देखिए, लेफ्ट साइड से यहाँ से आपको दिखाते हैं, LED स्क्रीन है, तो डिस्प्ले आपको हर एंगल से क्लियर देखने को मिलेगी। इसमें हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह सब ऑलरेडी पहले से ही होता है, नहीं हो तो कोई भी आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए आपने वीडियो की क्वालिटी इसकी फुल HD के साथ। वीडियो साइड में चलती रहेगी, आपको नेविगेशन वगैरह यूज़ करना है तो वो भी आप साथ में कर सकते हो। साथ में इसमें FM भी है, FM भी आप सुन सकते हो, अगर आपको FM सुनना है। रेडियो इसमें दिया हुआ होता है, सारे चैनल है, एक एक करके सारे चैनल सेट करने के बाद वो सेव रहते हैं, उनको भी आप सुन सकते हो अगर आप FM सुनना चाहते हो तो। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में दिखाया 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर कम बजट का, 2 ओवल स्पीकर प्लस बॉक्स के साथ फिटिंग के साथ, जो आपको 9,000 रुपये में बुलेरो पिकअप में मिल रहा है। अगर आपको ओनली प्लेयर चाहिए तो 6,000 में आपको मिल जाता है। साथ में हमने इस गाड़ी में लगाए हैं व्हील कवर, डैशबोर्ड पे कवर, वो भी आपको दिखाते हैं वीडियो के लास्ट में। तो चलिए आपको दिखाते हैं व्हील कवर हमने इसमें कौन से लगाए हैं। हमने इसमें लगाए हैं डुअल कलर के व्हील कवर, जो ब्लैक एंड सिल्वर में आपको इस तरह से जी दिख रहे हैं। ये देखिए ब्लैक एंड सिल्वर व्हील कवर हमने इसमें लगाया है। गाड़ी के अंदर चलकर आपको दिखाते हैं डैशबोर्ड कवर, तो ऑरेंज कलर में डैशबोर्ड कवर हमने इसमें लगाया है, आदि योगी की मूर्ति लगाई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कार्स और कार एसेसरीज वडोदरा गुजरात, होलसेल डीलर ऑफ कार एसेसरीज़।